हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ ऑप्शन के ऊपर कि कैसे ऑप्शन के अंदर कौन से स्ट्राइक प्राइस होते हैं, कौन सा क्या चीज़ होती है और किस हिसाब से हम कॉल बाय करते हैं, किस हिसाब से हम पुट बाय करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है मैंने बैंकिंग सेक्टर की क्या बना रखी है, यहाँ पे सिर्फ निफ्टी बैंक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके अंदर मैंने निफ्टी बैंक, HDFC बैंक, ICICI, कोटक, SBI, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, ये सारे बैंक ऐड कर रखे हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर मैं जो कंटेंट है वो शुरू करता हूँ। निफ्टी बैंक है, जब निफ्टी बैंक को हम ओपन करेंगे, आप देखिए एक ओवरव्यू है, ये चार्ट है, ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो हम क्लिक कर देते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। मैंने ऑप्शन चेन क्लिक कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे कॉल और पुट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो पुट हो गए रेड वाला, मतलब अब अगर मैंने बोला मान लो 37,700 पुट बाय करना है, 37,700 का PE, तो पुट पे यहाँ से रेड, अगर रेड कर देंगे तो पुट, अब ये पुट है, ठीक है। तो 37,700 का PE मतलब 37,700 को पुट बाय करना है, तो 37,700 के स्ट्राइक प्राइस पे 37,700 लिख रखा, इस पर क्लिक कर दिया। अब ये देखो इसका 313 रुपये अल्टीमेट लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, 313 रुपये चल रहा है। ये ग्रीक्स हैं, इनके अंदर आप मत जाओ, ये काफ़ी डीपली हो जाएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ग्रीक्स के ऊपर। ओपन इंटरेस्ट हो गया 5,37,000 का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,380 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब है इसके अंदर और इसकी एक्सपायरी 30 सितंबर की है। आप यहाँ से एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो इसकी, वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे हमने इसको बाय करना है, तो प्रोडक्ट में डिलीवरी रख दो। अगर डिलीवरी पे लेना है, इंट्राडे रखना है तो इंट्राडे कर लो। मेनली वैसे मैं डिलीवरी में ही लेता हूँ इसको, अगर आज के लिए ही रखना है तो आज इंट्राडे में ही बेच दो, नहीं तो डिलीवरी रख के रखो, दो तीन बार बेच दो। तो जब भी आप ऑप्शन चेंज करोगे कभी भी यहाँ मार्केट नहीं करना, क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर पे नहीं मिलता, लिमिट ऑर्डर पे मिलता। मान लो 313 चल रहा है, 313 लगा दिया या 314 लगा दिया, कि एकदम से बढ़ रहा है तो 314 लगा दिया कि 314 पे एक्टिव हो जाए आपका, ठीक है। तो ये करना है यहाँ, और सब चीज़ें यहाँ वैलिडिटी डे रखनी है, ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल ही रखना है, और रिव्यू ऑर्डर पे जाके आपको क्या कर देना है ये अभी, क्योंकि यहाँ डालना पड़ेगा, मान लो ये 25 डाले, तो जब आप रिव्यू ऑर्डर पे डाल दोगे, मान लो 313 है, 313 लगा दिया, रिव्यू ऑर्डर पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ से बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम, मैंने 37,700 का पुट बाय कराया आपको, मान लो 37,700 का पुट बोल दे, 37,700 का PE बाय करो, तो ऐसे करना है। अगर बोल दे मान लो 37,700 का कॉल बाय करो, कॉल बाय कर लो, तो ये है मतलब ग्रीन पे कर देंगे तो कॉल, 37,700 का स्ट्राइक प्राइस ये है, इसको क्लिक किया तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, 431 रुपये इसका चल रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। यहाँ पे बाय करेंगे वही 25 क्वांटिटी ली जाती है, मतलब लॉट साइज़ बोलते हैं इसके, लॉट साइज़ मतलब एक मतलब जैसे कहते हैं बंडल, मतलब कि नंबर ऑफ स्टॉक कितने आएंगे इसके अंदर, वो होता है लॉट साइज़। 25 का लॉट साइज़ है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का इस टाइम चल रहा है 50 का लॉट साइज़ है। पहले निफ्टी का 75 का लॉट साइज़ होता था, पर अब 50 का कर दिया है इन्होंने, अब पीछे से चेंज हुए थे इनके लॉट साइज़। तो ऐसे ही इसमें भी लिमिट लगा दो, यहाँ मान लो 431 430 लगा दिया मैंने, या 432 कर लिया, जो भी है। तो करके यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर कर देंगे, ये 25 क्वांटिटी ऐड। अगर आप जैसे 50, ऐसा नहीं कि आप इसमें 26 ले लोगे, 25 के मल्टीपल में ही मिलेंगे, 25 50 75 100 ऐसे मिलेंगे, मान लो 50 करना है तो 50 भी ले सकते हो आप। रिव्यू ऑर्डर कर दिया और बाय हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि कॉल और पुट कैसे बाय करनी है ऑप्शन चेन के अंदर, तो ये समझ गए होंगे आप। और ये बता देता हूँ कि कॉल और पुट का मतलब क्या होता है। मान लो मैं आपको बता दूँ, जैसे ध्यान से देखना वीडियो, क्या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, चार्ट थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है इसमें, एक मिनट। अब मैं देखता हूँ कि क्या होएगा 15 मिनट में। मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ, सपोर्ट बना हुआ है इसका। अगर ये मान लो ये सपोर्ट टूटता है नीचे की तरफ, ये जो 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक देती है, तो मुझे पता है कि इसका प्राइस थोड़ा सा जल्दी से मूव करेगा। मान लो 37,830 है, जब 37,722 से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा तो मैं इसमें क्या करूँगा, मतलब कि प्राइस टूट रहा है तो जब भी प्राइस कम होगा तो आपको पुट बाय करना है, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, कॉल बाय करनी है, ठीक है। तो 37,830 है, मुझे पता है 37,700 से नीचे की तरफ जाएगा, 37,772 से नीचे जाएगा तो मैं पुट बाय करूँगा। तो 37,772 से नीचे जाएगा तो जैसे जैसे 37,700, तो मैं सोचूंगा 37,700 की पुट बाय कर लूँ, 37,700 की पुट बाय कर लूँगा, 313 पे चल रही है। अगर मैं ठीक रहा कि मेरा चार्ट एनालिसिस ठीक रहा तो मेरे को बेनिफिट हो जाएगा इसमें। अगर मेरा एनालिसिस ठीक नहीं रहा, ये ऊपर की तरफ चलने लग गया तो मेरे को लॉस, अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो मुझे कॉल बाय करनी है, अगर नीचे की तरफ जाता है तो पुट बाय करनी है। अगर हमारी एनालिसिस से रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है तो हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा इसमें।
तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, काफ़ी मुश्किल भी है और काफ़ी रिस्की है, पर रिवॉर्ड इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, भर भर के रिवॉर्ड है, भर भर के रिस्क है। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है, आप स्ट्रॉन्ग हो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, देन आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आएँ। तो ये था कि कैसे कॉल बाय करनी, क्या कॉल होता है, क्या पुट होता है, कैसे स्ट्राइक प्राइस पे होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक और चीज़ है इसके अंदर, जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने मान लो 37,700 का पुट बाय किया हुआ है, ठीक है, ये पुट है आपका, आपने सपोज इसको सेल करना है, सॉरी मान लो आप पहले ही बाय कर रखा है आपने, आपका ऑर्डर लगाया, आपका मतलब पोजीशन आपकी चल रही है, तो आपने सेल करना है, मान लो चाहे वो प्रॉफिट में या लॉस में, मैं मानता हूँ कि इस टाइम आप प्रॉफिट में हो और आपको सेल करना है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होती है, उसको वो क्या चीज़ होती है, कहीं बच्चे पूछते हैं कि सर स्टॉप लॉस ट्रेल करना क्या होता है, जैसे मैं कह देता हूँ तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, वो क्या चीज़ होती है। मान लो आपने 300, मैं सोच रहा हूँ कि आपने कम पे बाय किया और आप इस टाइम प्रॉफिट में 313 रुपये प्राइस चल रहा है, आपने बाय किया हुआ है मान लो 290 के आसपास कुछ बाय किया हुआ है, आपने 23 या 24 पॉइंट आप प्लस में हो, मैं ये मान रहा हूँ अभी, तो देखो आपके पास 25 ही क्वांटिटी है, आपने 25 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, तो यहाँ जो ये लिमिट है ना, इसको स्टॉप लॉस मार्केट कर देना है आपने। और आप सोच रहे हो कि आप 290 पे लिया, 313 चल रहा है, कि कम से कम मैं 10 पॉइंट तो रखूं, तो आप यहाँ 300 कर दोगे, या 300 अगर आप और ग्रीडी हो तो आप 305 कर दो, कि नहीं इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप बड़े टारगेट सोच रहे हो ना, तो आपको स्टॉप लॉस एक बड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी स्टॉप लॉस रख दो, कि बिल्कुल इसके पास है 310 रख दिया, कि 310 एकदम से 310 आके आपकी पोजीशन कट जाएगी और भाग के दोबारा ऊपर चला जाएगा, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस रखते हैं। बाकी मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ कि कैसे आप ट्रेल कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस से। यहाँ पे जाना है आपने, सॉरी स्टॉप लॉस मार्केट नहीं, स्टॉप लॉस लिमिट करना है आपने, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया था, स्टॉप लॉस लिमिट, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, स्टॉप लॉस लिमिट करना है आपने। यहाँ जो है जो प्राइस है आपने इसका, मान लो 313 चल रहा है, आप सोचो कि कम से कम मेरे को 310 तक का तो प्राइस मिले, तो आप 310 डाल दो और यहाँ पे रिव्यू कर दो, बस आपका ट्रिगर प्राइस आ जाएगा, स्टॉप लॉस लिमिट, हाँ स्टॉप लॉस लिमिट, ट्रिगर प्राइस और प्राइस अलग अलग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग का है। अगर आप न्यू सेल ऑर्डर है ना, अगर आप उसके अंदर डालोगे बाय किया हुआ है और उसके अंदर सिंपल डालोगे, तो स्टॉप लॉस लिमिट के अंदर आप जाओगे, तो यहाँ प्राइस और ट्रिगर अलग अलग नहीं है, सिंपल एक ट्रिगरिंग प्राइस आ जाएगा, उस पर ट्रिगर हो जाएगा। मैं आपको इसके बता देता हूँ क्या हुआ है, क्या है, मान लो स्टॉप लॉस लिमिट ये है कि इस प्राइस पे आपको कम से कम यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे ट्रिगर हो जाना चाहिए आपका, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, तो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये था ऑप्शन कैसे देखते हैं, ओवरव्यू, यहाँ से ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्लोज कितने पे हुआ, ओपन कितने पे हुआ, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आई थिंक काफ़ी कुछ बता दिया इस वीडियो मैंने, मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, आप इसमें अपनी क्वेरीज डालिए कि मैं इस वीडियो में क्या क्या, इस सीरीज़ में और क्या क्या डालूं ऑप्शन चेन की, ये मेरी पहली वीडियो है कि और क्या इस वीडियो में ऐड करूं, मतलब एक अलग वीडियो बना दूं क्या क्या आपको कंटेंट चाहिए ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो थैंक यू, बाय बाय, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।